बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना, ये लाल वाली सेवइयाँ बनाने लगी हूँ घी में। ड्राई नट्स ले लिए कुछ मैंने यहाँ पे, और इलायची, देसी घी। दूध को गर्म होने रख लिया। चलो दूध को हटा देती हूँ, इसकी जगह जो है ना मैं कढ़ाया रख लेती हूँ। कढ़ाया थोड़ा गर्म हो गया, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, थोड़ा सा ही लेना। देखो अब इसमें हम इलायची भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके। आप चाहें तो इस टाइम पे जो है ना ड्राई नट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट नहीं, मैं इसमें जो है ना सब्जी डाल देती हूँ, मिक्स करूँगी। हल्का सा भून लेना है हमने इसको, ज़्यादा नहीं। दिल चाह रहा था खाने को तो मैंने सोचा चले बना लेती हूँ, रेसिपी भी हो जाएगी। वैसे देखती रहती हूँ ये रेसिपी तो मैं, लेकिन अगर किसी ने ना देखी हो तो देख ले, बहुत अच्छी बनती है, मज़े की बनती है ना, इसलिए मैं दे देती हूँ जो भी बनाती हूँ। लेकिन थोड़ा तेज कर लेती हूँ, बस जले ना बाकी चीज़ें, हाथ हाथ जो है ना रख लेती हूँ। ये हल्की हल्की से वाइट हो जाती है ना जब ये फ्राई होती है। फिर दूध भी मैंने इसलिए गर्म किया है ताकि मैं इसमें डाल दूँ ना दूध, वो फटे ना। ठंडा दूध डालो तो फट जाता है। हाँ, डब्बे का हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे ड्राई नट्स निकाल के इसको थोड़ा कूट लेती हूँ। कूटने के बाद अच्छा इसका फ्लेम थोड़ा हल्का कर लूँगी, ये चल जाएगी। इसको जो है ना कूट लेती हूँ, कूटने के बाद ही ये मज़े की लगेगी। ओहो, इसमें तो सादे थे। खैर कोई बात नहीं, ये रख लेते हैं जो हमने खोली ही नहीं है। काजू भी नीचे हैं, अब काजू को कौन निकालेगा। खैर रहने दो, जितनी है इन्हें जो है। तो जी ये देखिए शॉपर में इन्होंने कूट लिया, एड कर देते हैं इसका। और अब मैं इसको जो है ना थोड़ा मिक्स कर लूँगी, और इसी के साथ जो है ना बस दूध भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि बस इतना ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हो गया ना ब्लैक हो जाएंगे तो अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, गरम दूध मैंने यहाँ रख लिया, और चीनी भी मैंने उठा ली है। चीनी मैं भूल गई थी, चीनी को भी इसी टाइम ही ऐड करेंगे। और ज़्यादा चीनी पसंद नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस नॉर्मल। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मेरे कैमरा को क्या होगा, चलिए मैं इसे थोड़ा साफ़ कर दूँ। अब जो है ना फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दूध। ये रहा दूध, दूध थोड़ा एहतियात से डालना क्योंकि ये फिर ना आवाज़ देता है। इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ना, गिरफिया नहीं लेगा। खुलाओ मैम, बस इसका जो है ना दूध ड्राई हो गया, फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह, सही ये रहा हमारी सेवइयों का फाइनल लुक। ये जो दूध है ना ये थोड़ी देर बाद तो भी जो है ना और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें ज़्यादा खाई नहीं जाती, थोड़ी ही खाई जाती है, फिर मैंने इतनी सी निकाल दी। हाँ
मोबाइल के लिए पैसे दे रहा है मेरा, बोल पहले दे चुका। वाह वाह, छोटी आनी ने दिया, माशाल्लाह कितना पाला है, कितना। हम अभी जा रहे हैं मार्केट थोड़ी देर में, धूप नहीं है, बादल है, लेकिन थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ पे रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में डेली की तरह रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने तवा रख लिया गर्म होने के लिए, देसी घी मैंने उठा लिया है, ये देसी घी हमने घर में बनाया है। आप लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी मुझसे, तो इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। कभी अम्मी बनाती है देसी घी, तो कभी जो है ना मैं बना लेती हूँ। हम लोग जो है ना दूध की भलाई काफ़ी सारी जमा कर देते हैं और फिर उससे जो है ना घर पे ही देसी घी निकाल लेते हैं। दो तरीके मैंने शेयर किए हैं, दोनों मैं जो है ना एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो है ना बस रोटी में, अच्छा रोटी में मैं घी लगा लेती हूँ। पहले तो आप लोग को पता है मैं मॉर्निंग में जो है ना देसी घी के पराठे घर पर ही बना लिया करती थी, बहुत यम्मी बनते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हॉस्पिटल जाती हूँ, काम भी थोड़े बढ़ गए हैं मेरे, है कि तबीयत ठीक नहीं रहती तो उससे हम कोई काम नहीं लेते। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है वो, लेकिन फिर भी हम उससे काम नहीं लेते। तो देसी घी जो है ना इस पेड़े में मैं लगा लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, तो इससे बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी रोटी बनती है। और ये वाला थोड़ा मैंने पराठा ही बना लिया था, तवा थोड़ा गीला कर लेती हूँ ना घी से, तो फिर जो है ना रोटी जलती नहीं है। फर्स्ट वाली रोटी मेरी ऐसी होती है, थोड़ा सा पराठा होता है। खैर फिर हम सो गए थे, यहाँ हमारी हो जाती है गुड मॉर्निंग। और आज हम जल्दी उठे हैं, जल्दी उठने की वजह यह है कि आज फिर जाना है हॉस्पिटल। वैसे तो हम जो है ना फजर में उठते हैं, नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं 5-5:30 बजे के करीब, और उसके बाद सो जाते हैं। और जब दोबारा उठते हैं, अभी 8:30 बजे का टाइम है, इतना कोई अच्छा हसीन सकून वाला जो है ना टाइम होता है ये। जब मैं उठी सब सो रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी, धूप भी निकली हुई है। तो अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जितनी भी मेरी रूटीन होगी आप लोग साथ में शेयर करूंगी। पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई रूटीन ही नहीं थी, बस मैं वेटिंग एरिया में बैठी रहती थी। अब ऐसा है कि खाने पीने के लिए फ्रेंड्स के साथ निकल जाती हूँ, तो वीडियो बना के आप लोग साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर, हमें जो है ना हम खाने के लिए बाहर आए हुए थे मैं और मेरी फ्रेंड ज़ैनब। तो मैंने ज़ैनब से कहा गन्ने का जूस पी लेते हैं, गर्मी भी काफ़ी है और गन्ने का जूस मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ का क्लब सैंडविच हमने ट्राई नहीं किया था, आज हमने सोचा चले क्लब सैंडविच मंगवा लेते हैं। इसके प्राइस थे 350, तो चिकन क्लब सैंडविच है ये, और ये जो है ना मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा। खैर मैंने एक खा लिया था स्लाइस, और बाकी जो है ना ज़ैनब ने खा लिए थे, उसको भी अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम नहीं मंगवाएंगे। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और ये सामने SIUT हॉस्पिटल है, तो अब हम हॉस्पिटल में जाएंगे। वीडियो का एंड भी करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।